पसंदीदा गेम खेलने के लिए एकदम बढ़िया दिन है। कोई मुझे टेक्स्ट भेज रहा है। तो ये कौन है सैमी? रॉज फिल्मों में मजे कर रहा है। हर कोई मुझे टेक्स्ट क्यों भेज रहा है? ओह हाय ग्रैंडमा स्लाइम, सैमी अभी थोड़ा बिजी है। मुझे कोई अकेला क्यों नहीं छोड़ता? चलो सभी गैजेट को बंद करें और एक अच्छी पुरानी प्लेबुक के साथ मजे करें। ये वॉन है, ये कुछ कुछ टॉकिंग टॉम जैसा दिखता है। तुम्हारा वॉन गंदा है, मेरा टॉम बेहतर है। हम उसे ठीक कर सकते हैं, चलो अब इसे साफ करें। लेकिन पहले हमें दूसरे कमरे में जाना होगा, मेरा मतलब है बाथरूम। ये बहुत आसान है, चलो तुम्हें फ्रेश और साफ करें। दरअसल ज्यादातर कैट पानी से नफरत करती हैं, लेकिन मैंने सुना है उनमें से कुछ को जूस अच्छा लगता है। उन्हें जूस में स्विम करना पसंद है, ये अजीब है। तुम इस तरह कभी साफ नहीं हो पाओगे। टीवी डाबो में मेरी कैट एप्पल जूस सबसे ज्यादा पसंद करती है। यक, क्या वो फल है? तुमने जूस कहा और हमारे वॉन को सच में भूख लग गई। चलो देखें हम उसे लंच में क्या खिलाएंगे। तुम उसे खिला सकती हो, पकड़ो। ओह यक, ये क्या है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, बेहतर होगा उसे एक कैंडी दे दें। नहीं, मैं इसे अपने लिए बचा कर रखूंगी। वॉन के पास पहले से ही वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। वॉन का पेट भर चुका है और वो खुशी से हमारी ओर हाथ हिला रहा है। लेकिन अच्छे खाने के बाद एक नैप लेना बढ़िया है, लेकिन हमें खाना खरीदने के लिए खेलकर पैसे कमाने पड़ेंगे। मुझे स्पेस में गए काफी समय हो गया है, फिर लॉन्च करें। हम कॉमेट्स के चारों ओर ध्यान से घूमेंगे ऐसे, और हमने कर दिखाया। मुझे 100 सिक्के मिले हैं। अब मेरी बारी है सेव। मैं कुछ ही समय में सभी ध्रुवों को पास कर लूंगा। फ्लैश स्लैम को रोका नहीं जा सकता। और ये रहे मेरे 100 सिक्के। चलो फिर से खेलें। ओह कुछ गलत हो गया। मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सेव, अब तुम करो। वॉन को थोड़ा सोना चाहिए और वो ठीक हो जाएगा। नहीं, वॉन को हेल्थ इंजेक्शन चाहिए। कोई बात नहीं सैमी, हम यहाँ से कुछ ले लेंगे ऐसे। ये और भी पत्थर हो गया है। प्लेबुक को अलग करें और देखिए। सैमी रुको, मैं अभी भी इसे अपने आप ठीक कर सकती हूँ। ये देखो वॉन मेरे लिए कर रहा है। वॉन को सोने दो और मैं इसका पता लगा लूंगी। हमारे पास बस एक ही चीज बची है और एक और। बातों में मत आओ सेव, ध्यान से। होली कनोली, सरा इन विंग्स को देखो, वॉन अब बहुत हेल्दी है। अब हम एक साथ उड़ सकते हैं। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं यहाँ हूँ, क्या तुम ठीक हो सैमी? ग्रैंडमा स्लाइम, मुझे नहीं पता था आप आ रहे हो। मुझे सैमी की चिंता हो रही थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे यहाँ 3 क्राफ्ट मास्टर्स हैं। सैम के ग्रैंडमा ने भी हमारे साथ आने का सोचा। सिर्फ हमारा सुपर सैम ही अपने दम पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा हमेशा उसे खिलाने की कोशिश करती है। ग्रैनी, मुझे भूख नहीं है। एक और चम्मच हनी। जब तक ये मजे कर रहे हैं मैं काम कर लेती हूँ। मैं हमारे दोस्त वॉन को एक ही बार में पेंट कर दूंगी। और मैं कुछ ही समय में शेप्स कर सकता हूँ। हे तुम, बस इतना ही नहीं। मुझे किसी तरह खाना खिलाने में कामयाब रही। सैमी तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं तुम्हारे लिए ये क्राफ्ट बना दूंगी। कहीं मत जाओ, मैं अभी वापस आई। ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ है, हम इसी तरह बहुत जल्द काम पूरा कर लेंगे। मुझे पक्का नहीं पता। हे किटी, तुम्हारा साइज क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। वॉन को किसी स्वेटर की जरूरत नहीं है।
भयानक है, कितना गंदा है। मुझे अब सब कुछ साफ करना होगा। ग्रैंडमा, इन्हें मत छू, ये जरूरी पीसेस हैं। ये कैसा बर्ताव है, अब मुझे जाने दो। सैमी, आज हमारा क्राफ्ट गार्डन है। और वॉन के खाने के लिए फ्रिज तैयार है। क्या तुमने खाना कहा? मैं सबको खाना खिला सकती हूँ। मैं किसी स्वादिष्ट चीज के लिए मना नहीं करूँगी। इसे वापस दो, किटी को पहले खाना चाहिए। और मुझे अभी भी हमारी प्लेबुक के लिए कई छोटे टुकड़े तैयार करने हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे लगता है मुझे एक पावर नैप लेनी चाहिए। तुम दोनों आराम कर सकते हो, मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। हॉप, बढ़िया। मैं भी खाली नहीं बैठूंगा। सब कुछ हो गया। जब ग्रैंडमा सो रही है तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेरे ग्रैंडमा नहीं देख रही तो हम मजे भी कर सकते हैं। सैमी, नहीं तो तुम उन्हें जगा दोगे, जो कोई भी नहीं चाहता। क्यों इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो? खुद देखो। मैं समझ गई, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि हम इसे नीचे ही रखें। ये ठीक है। क्या तुम बीमार हो? तुम्हें थोड़ा दूध और शहद चाहिए। मैं बीमार नहीं हूँ। जब तक हमारी स्लाइम फैमिली मजे कर रही है, मैं बाथरूम पर काम करती हूँ। चलो थोड़ा सोप डालें, काश मैं ढेर सारा शैम्पू लगा पाती। ग्रैंडमा प्लीज, बहुत गर्मी है, क्या मैं साफ उतार सकता हूँ? अपनी ग्रैनी से बहस मत करो सैमी, बेहतर होगा तुम किचन देखो। मैंने तुम्हारे लिए शानदार छोटी हैट बनाई है। मुझे बचाओ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं ग्रैंडमा? मुझे इन पीसेस को जोड़ना होगा। मैं इसे इतनी जोर से दबाऊंगी कि ये हमेशा के लिए चिपक जाएगा। जब आप दोनों बातें कर रही थी, मैंने बहुत मेहनत की। मैंने भी कुछ काम आने वाली चीजें बनाई हैं। मुझे इसे कितनी देर तक दबाना होगा सूजी? ओह, बस थोड़ा और, हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। वो धमाकेदार आवाज कैसी है? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास पीस बनाया है। मैं आपके टैलेंट और स्किल्स से खुश हूँ ग्रैंडमा। अब सब कुछ हमारी नई शानदार प्लेबुक के अंदर डालें। ओह, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। हेलो, हाँ मैं रास्ते में हूँ, जल्द ही मिलेंगे। ग्रैंडमा, आप किससे बात कर रहे हो? मैं मालदीव में स्लाइम ग्रैनी के साथ एक जरूरी मीटिंग पर जा रही हूँ। बाय बाय। आपके ट्रिप सेफ हो और अपनी छुट्टियों के मजे लेना। अब यहाँ से मैं ही एक क्राफ्टर स्लाइम हूँ और प्लेबुक पूरी मेरी है। याद आ रही है, वो बहुत मजेदार थी। सैमी, देखो हमें डिलीवरी मिली है। ओह वाह, ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने भेजी है मेरी स्लाइमी ग्रैंडसन के लिए। सच में, क्या कुछ और भी है? उन्होंने तुम्हें एक प्यारी सी स्लाइम हैट भी भेजी है। मुझे उम्मीद है उन्होंने ये खुद बुनी होगी। अब मेरे पास अपने प्लेबुक के साथ मजे करने के लिए परफेक्ट आउटफिट है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी क्राफ्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। फिर मिलेंगे।